अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th के मैथमेटिक्स में आज एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा पार्ट करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन क्योंकि कॉमन है, वही जो हम कल कर रहे थे, एक्स इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू -1 एंड बी इज इक्वल टू -2। ठीक, अगर हम इस हिसाब से देखें जो हमारा चौथा पार्ट है, 10 -3b -4 -5b, तो जहाँ जहाँ पे हमें b आता है वहाँ पे हम -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 10 तो अपनी जगह रहेगा, -3 इंटू -2, फिर -4 है, -5 इंटू -2। ठीक, तो ये चीज़ पहले हम देख लेंगे। जब भी हमें कोई भी ऑपरेशंस करने हों तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें मल्टीप्लिकेशन, अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन या फिर ये, तो उसमें हम बॉडमास एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, बॉडमास फार्मूला। तो डिवीजन के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो 10 -3 इंटू -2 होता है -6, -4 -5, 2 आर -10, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, लिहाजा जो हमारा रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव होगा। 10 अपनी जगह है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये +6 बन जाएगा, फिर -4 है, फिर +10। ठीक, अब हम टोटल में देख लेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं। 10 + 10 + 6 होते हैं 26, -4, तो 26 में से 4 निकालो तो 22 इस पार्ट का हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो बाकी पार्ट्स भी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख लेना कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई। ये रेगुलर क्लास में हम, ये कम्युनिटी क्लास में ये तमाम चीज़ें हम मुकम्मल कर चुके हैं वहाँ पे, तो लिहाजा अगर रिवाइज होगा कोई क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा बेहतर है।